Assalamualaikum everyone, welcome back again. तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी राख से दूर जा, तलाश में आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। आज जो मैंने व्लॉग अपलोड किया हुआ है वो था छोटी ईद का व्लॉग। ठीक है, आज का व्लॉग मैंने बनाया हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि जो मैंने दो पिछले ही छोटी ईद के व्लॉग बना के रखे हैं वही अपलोड कर देती हूँ। तो आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगने वाला है, पूरा व्लॉग देखिएगा। हम लोग ने कश्मीर में ईद की थी, बहुत मज़े का व्लॉग है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्लॉग देखें। सो गाइस, एक बात तो बताओ, आई थिंक कैमरा बहुत गंदा है। हम जा रहे हैं बहुत दूर, सबसे दूर कश्मीर जा रहे हैं, और आप लोग यहाँ का व्यू देख सकते हैं। इतनी गर्मी है, अब आप लोगों को मैं थोड़ी देर बाद कश्मीर दिखाऊंगी, आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे, कश्मीर इतना प्यारा है। सो गाइस, एक बात तो बताओ, गाइस हम लोग यहाँ पे उतरे हैं रास्ते में, ये कोई जगह है, पता नहीं क्या नाम है इस जगह का, लेकिन हम लोग उतरे हैं इधर थोड़ी सी पिक्चर्स बनाने के लिए, और मैं अपना फुल लुक आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और ईद मुबारक तो मैंने आप लोगों को बोला ही नहीं, ईद मुबारक। ये देख सकते हैं आप लोग, इतना मौसम यहाँ पे थोड़ा सा ठीक हुआ है, इतना भी कोई खास नहीं है, कश्मीर में बहुत अच्छा होता है। हम लोग एक दिन के लिए बस कश्मीर जा रहे हैं, मैंने सोचा कि ये व्लॉग बना लूं, क्योंकि इतने दूर हम कश्मीर जा रहे हैं तो एक व्लॉग तो बनता है, इसलिए मैंने स्टार्ट कर लिया व्लॉग। मैं आप लोगों को अपनी लुक दिखाती हूँ पूरी, और अब आप लोग मुझे बता सकते हैं। मंजूर भाई से भी आपको मिलवाएंगे, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, शादी करके वो इतना बिजी हो गए कि अब अपनी बहन को टाइम ही नहीं दे रहे। मंजूर भाई बेवफा हो गए, अपनी बहन को भूल गए, अब सिर्फ उनको अपनी वाइफ याद है। मंजूर भाई आप तो देख सकते हैं, आपको नजर बेशक लगती हो, नहीं आपको बेशक लगती हो, आगे जो है नजर लगी हुई है। अच्छा इधर मुड़े, मेरे साथ व्लॉग में है, तो आपने मेरे साथ बेवफाई क्यों की मुझे ये बताएं पहले। कौन सी बेवफाई? आप हमें लिफ्ट ही नहीं कराते। आप कैसे लिफ्ट नहीं कराते, हफ्ते में तीन दिन चक्कर लगाता हूँ। कहीं नहीं, आप बस लिफ्ट ही नहीं कराते, आप ना बहुत बेवफा हो गए। सब कुछ मिल रहा है पहले से ज्यादा, प्यार भी पहले से ज्यादा। गाइस झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों ने मेरे से इतना बड़ा धोखा किया है। मैंने इन सारों की पिक्चर्स बनाई और इन लोगों ने मेरी बनाई नहीं, और अब वापस जा रहे हैं, और इतना इतनी धूप आ गई, अब पिक्चर ही नहीं अच्छी आ रही। हम लोग एक बार फिर से उतर गए हैं गाड़ी से, क्योंकि मेरी वहाँ पे इन लोगों ने पिक्चर्स नहीं ली, तो मैं उतर गई हूँ। कश्मीर की फेमस जगह, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आती हैं। क्या भाई, कितना अच्छा लग रहा है। किसी को पता है ये जो लगाया है इन्होंने? ये मुझे पता है। क्या पता है? इनका पर्पस क्या है? स्लाइड को रोकने के लिए। यस, पत्थर रोकने के लिए स्लाइड। और है ये क्या? ये सीमेंट पाइप होंगे, पाइप लाइन वगैरह। ये है जी पाइप है, ये पहली बार, और दूसरी बार इनमें से पानी निकालते, क्योंकि अगर बैकग्राउंड में पानी रुके ना तो ये गिर जाएगा, स्लाइड कमजोर हो जाएगी। A few minutes later. अपने एक रिश्तेदार के घर आए, और मैंने अपने बालों को कवर किया हुआ है कि कहीं बारिश पड़ के मेरे बालों की स्ट्रेटनेस खराब ना हो जाए। इतना प्यारा मौसम है यार, इतना प्यारा कि बस क्या ही बताऊँ। इतनी ठंड है यहाँ पे, अभी अभी बारिश हुई, इतनी ठंड हो गई है। क्या व्लॉग बन रहा है इधर। सो एवरीवन, हम लोगों ने खाना खा लिया है, खाना बहुत मज़े का था, थैंक यू सो मच। ब्लॉग की स्टार्टिंग तो मैंने सही से बनाई नहीं थी, अभी तो बहुत सारे घर हैं जिनमें हम लोगों ने जाना है, इतने सारे घर हैं, इतने रिश्तेदार हैं हमारे, ये ब्लॉग वायरल होना चाहिए। सो एवरीवन, हम लोग पहुंच गए किधर, बंजोसा। तो अब ये देख सकते हैं आप लोग बंजोसा कितना बुरा है। हाय गाइस, ये है हमारी झील जो कि बहुत गंदी हुई हुई है, और अब हम जा रहे हैं दूर, इसी पर मैं आऊँगी वापस पिंडी। कश्मीर देखे मेरा इतना प्यारा है, वाह, वहाँ से आगे नहीं जा सकते, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। और अब हम लोग फिर एक और अपनी कज़न के घर आ गए, तो रात होने वाली है, अभी फिर हमने अपने घर जाना है। माय गॉड, आई एम वेरी थकिंग। ये देखो भाई, मुझे अपना फ़ोन इतना छोटा लग रहा है, पता नहीं मेरी आँखों को क्या हो गया। पिछली दफ़ा जब हम आए थे ना, तब बिनेश भी थी। बिनेश क्यों तुम मुझे छोड़ कर के देख रही हो ना, तुम व्लॉग मत देखो, क्योंकि तुम मेरे व्लॉग को नज़र लगा दोगी। मैं इतना थक गई हूँ, ये चेक करें ज़रा, ये जो मॉडलिंग मैंने शुरू की हुई है ना हील्स पहन के,
खो ही नहीं चल सकता कश्मीर की पहाड़ियों पे। ना भाभी मेरी एक टांग नकली और मुझे आप लोगों ने सबसे पीछे छोड़ा हुआ। बहुत बसे बुरे आप सारे अंधेरे में लेके आए हुए और कसम से जुड़े लू से डर लग रही मुझे। अभी हम अपने घर जा रहे हैं, इतने दूर अभी भी जाना है। ये देखे सारे सो रहे हैं इसलिए मैं जोर से नहीं बोल सकती। यार इतनी सर्दी है कि मैं क्या बताऊँ। कश्मीर मत आना, कुछ जो सामने जगह है ना वहाँ पे चुड़ैलें होती हैं और अभी मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं व्लॉग बना रही हूँ सिर्फ आप लोग के लिए। और मैं इस आवाज़ में बोल रही हूँ, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं भी आ रही तो हेडफोन लगा दें, मुझे नहीं बोल सकती। ये हमारा जो है आलू बनाने का देसी तरीका है। ये मैंने अभी इससे आलू बनाया है एक। ये देखिए हमारी देसी आग, कश्मीर की देसी आग। आज का ब्लॉग यहीं तक, तो मैं जा रही हूँ सोने, 3-4 बजने वाले हैं और मैं अभी तक जाग रही हूँ। आलू खा लूँ अपना, फिर सो जाऊँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। देखिए भाई जैसा कोई हार्ड इच नहीं है।